पंजाब की ताजर सियासत में बड़ी हलचल। ताजर बरादरी के बड़ों ने पाकिस्तान ट्रेडर्स अलायंस के नाम से तंजीम बना ली। नून लीग ट्रेडर्स विंग और तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग के मरकजी रहनुमा भी शामिल। तब्दीली सरकार के मिशन क्लीन लाहौर को ब्रेक लग गई। सफाई का काम ठप, शहर कूड़े के ढेर में तब्दील। गलियों और बाजारों में कूड़ा ही कूड़ा, बदबू और तहफुन फैलने लगा। शहरियों का गुजरना मुहाल, बीमारियां फैलने का खदशा। एक महीना रोड बंद रखोगे। अदायगियों के दावे सब झूठ, तनख्वाहें ना मिली। सफाई अमला आपस से बाहर, शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने कूड़ा सड़क पर फेंक दिया। अलबरा को उस पाक इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। एक माह की अदायगी से काम नहीं चलेगा, 6 करोड़ रुपए एक माह की अदायगियां हैं। तर्जुमान उस पाक का पंजाब हुकूमत को जवाब। मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदम अदायगी, कूड़े के ढेर। वजीर बल्दियात बशारत राजा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पर बरहम। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खालिद नज़ीर का तबादला। 28 जनवरी को तैनात हुए, 26 फरवरी को तब्दील। खालिद नज़ीर डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस तैनात। खालिद नज़ीर का तबादला ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की के बायस किया गया। यकम मार्च को दोबारा ओहदा संभालेंगे। तर्जुमान LWMC। भारतीय जारियत के खिलाफ अहले लाहौर यकजुबान। पाक फौज से जारे यकजहती। जवान, बुजुर्ग, वकला, ताजर सब जज्बा ईमानी से सरशार। भारतीय जारियत के खिलाफ सियासी क्यादत भी मुत्तहिद। लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की मजम्मत। भारत की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वजीर कानून बशारत राजा, फयाजुल हसन चौहान की गुफ्तगु। जारियत का जवाब जारियत से दिया जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुतालबा। शाहीनों ने भारतीय तैयारों को भगा दिया, चौधरी जहीरुद्दीन। सलमान रफीक ने कहा कि मोदी एशिया और दुनिया को आग में धकेलना चाहता है। नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान पर कभी कोई आंच ना आए, मरियम नवाज का ट्वीट। पंजाब असेंबली में भारतीय जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ यूनियन भारतीय जारियत पर सरपा एहतजाज। नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश। भारत मुखालिफ नारेबाजी, भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैवर का वीडियो पैगाम। वजीर आला पंजाब और सूबाई वजरा की भी भारतीय जारियत की मजम्मत। भारतीय जारियत की शदीद मजम्मत करते हैं। हुकूमत फौरी कौमी क्यादत से मुज़ाकरात करे। मुश्तरका इजलास और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से अच्छा पैगाम जाएगा। कमर जमान कायरा, पुलवामा की तरह भारत ने आज भी ड्रामा किया। भारत का चेहरा ओछे हथकंडों से बेनकाब हो चुका। साबिक वजीर खारजा खुर्शीद महमूद कसूरी, दोनों रहनुमाओं की गुलबर्ग में पीपी रहनुमा राणा शौकत की रस्म कुल में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। टमाटर की कीमत में होशरुबा इजाफा, जितना मर्जी महंगा हो जाए पाकिस्तानी टमाटर ही खाएंगे। शहरी बसिद, भारत अपना टमाटर अपने पास रखे, अपने बुजदिल फौजियों को खिलाए। लाहौरियों का मोदी सरकार को पैगाम। गड़ी शाह और बरकी से लाशें मिलने का मामला हल। CIA पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 12 साल पुराने कत्ल केस के मुलजिम को भी धर लिया गया। चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्वस गैंग भी पकड़ा गया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान भी बरामद। कला गुजर सिंह में SPCIA उस्मान एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवाब टाउन पुलिस ने भी मोटरसाइकिल चोर गैंग पकड़ लिया। मुलजिमान के कब्जे से मोटरसाइकिलें और दीगर सामान बरामद। DSP चूंग राणा शफाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहर में चोरी के वारदातों में कमी ना हो सकी। डिफेंस DD ब्लॉक फेज 4 में जनरल स्टोर का सफाया। चोर 5.5 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लेकर फरार। चोरी की CCTV फुटेज लाहौर न्यूज पर। काम चोर तफ्तीशी ऑफिसर हो जाएं खबरदार, अब कारकर्दगी मॉनिटर होगी। पूल काम सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन पर काम जारी। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने का टास्क सौंप दिया। तफ्तीशी अफसरान की कार्रवाइयां सॉफ्टवेयर में शामिल की जाएंगी।
कस्टम्स हुकाम स्मगलरों के खिलाफ मुतहरिक, एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का जीटी रोड पर बड़ी कार्रवाई। पेशावर से लाहौर स्मगल किया जाने वाला सामान कंटेनर पकड़ा गया, करोड़ों रुपए मालियत का स्मगल शुदा सामान बरामद। पकड़े गए सामान में कपड़ा, बालों का स्प्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटा सामान शामिल। रेलवे स्टेशन पर भी कार्रवाई, बजरिया ट्रेन दीगर शहरों में छालिया स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। लाखों रुपए मालियत की 1,350 किलो छालिया बरामद। 10 साल लड़का मां समेत समनाबाद के इलाके से लापता, पुलिस ने मरियम के साबिका शौहर सलाहुद्दीन की मदईयत में अगवा का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मां बेटी की तलाश के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लिया। ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तरक्कियां और तैनातियां, 40 से जायद अफसरान को ग्रेड 19 में बाकायदा तरक्की दे दी गई। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर समीर अहमद सैयद की भी ग्रेड 19 में तरक्की। डायरेक्टर लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी इमरान कुरैशी को तरक्की के बाद काम जारी रखने का हुक्म। एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात सादिया तहरीम को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म। एहबान फिरदौसी की रिमॉडलिंग का मंसूबा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर मंसूबे पर अवामी तहफ़ुज़ात सुनने के लिए तकरीब। महकमा माहौलियात LDF सरान समेत सिविल सोसाइटी मेंबरान की शिरकत। मंसूबे पर 58 करोड़ रुपए लागत आएगी। 4 यूटर्न, 4 पैदल सवार पुल और अल्लाह गोल चक्कर की बहाली की जाएगी। मंसूबा 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। शादमान में वासा पेंशनर सहूलत सेंटर कायम, वाइस चेयरमैन MD वासा ने इफ्तिताह किया। सहूलत सेंटर में बेहतर इंतजारगाह और तमाम का एहतमाम किया गया। MD वासा ने कहा, अफसरान और मुलाजमीन पेंशनर्स की सहूलत के लिए ड्यूटियां लगाई गईं। जनरल हॉस्पिटल में 3 रोजा साइंटिफिक सिंपोजियम, मुख्तलिफ बीमारियों की तशखीस और इलाज मुआलजे से मुतल्लिक लेक्चर्स। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर मसूद गोंदल बोले, मेडिकल एजुकेशन को आलमी मेयार के बराबर लाएं, मरीजों को इलाज मुआलजे की बिला तफरीक फराहमी यकीनी बनाएंगे। गुलबाग 2 में रहनुमा पीपल्स पार्टी राणा शौकत महमूद के रस्म कुल अदा। कमर जमान कायरा, खुर्शीद महमूद कसूरी, हसन मुर्तजा के शिरकत, अजीजुर रहमान चंद, असलम गुल, बेगम जकिया शाहनवाज, फायजा मलिक समेत दीगर अहम शख्सियात भी शरीक। मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए कुरान खानी और दुआ। भाईचारे और अमन का फरोग, हर मजहब का है दर्स। सेंट मैरी स्कूल गुलबर्ग में तकरीब, मौलाना आशिक हुसैन, फादर पैट्रिक समेत दीगर की शिरकत। भाईचारे के रिश्ते को मजीद मुस्तहकम करने पर जोर। तकरीब के अख्तिताम पर अमन के नाम पर पौधा लगाया गया। इंग्लिश काउंटी वॉर्सेस्टर शायर के मेयर अब्दुल जब्बार रियाज की दाता दरबार पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई। एडमिनिस्ट्रेटर दरबार सिकंदर जुलकरनैन से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सस्ती टिकट्स बिक गईं, महंगी बाकी। दुबई के बाद लाहौर में भी PSL का मेला सजने को तैयार। टिकट्स की फरोख्त का दूसरा रोज मुकम्मल, 500 और 1000 वाले टिकट बिक गए। 2000 वाली 30%, जबकि 3000 वाली 60% टिकटें दस्तयाब। अजाफी स्टेडियम में एक वक्त में 25,000 शायकीन क्रिकेट मैच देखेंगे। और गुलकार अली जफर का मिशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत के दावे का केस सेशन कोर्ट में समाप्त। दो गवाहों ने मिशा शफी के खिलाफ शहादतें कलमबंद करवा दी।